योगिता, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। चूल्हे पर दूध चढ़ा है, देख ले। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं देख लूंगी। तभी रेखा बाहर से आती हुई अपनी छोटी बेटी सिमरन को देखती है। आ गई, सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने निकल पड़ती है। आवारा गर्दी नहीं कहते इसे, मॉर्निंग वॉक कहते हैं। बाहर खुले हवा में एक्सरसाइज भी अच्छी होती है। घर के काम कर लिया कर, वो तेरे एक्सरसाइज से ज्यादा फायदेमंद है। अरे माँ, आप नहीं समझोगे ये सब। तू ही तो है बस यहाँ सबसे समझदार, हम सब तो इतने बड़े होकर बेवकूफ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी तुझे ये नहीं लगता कि जंगल से लकड़ियाँ ले आऊँ? क्या माँ, अब लकड़ियाँ लाने वाला काम मैं करूँगी? कभी नहीं। तो घर के काम कर लिया कर, लकड़ियाँ योग्यता ले आएगी। मैं आपको घर के काम करने वाली दिख रही हूँ? नौकरानी हूँ क्या? देखो माँ, मुझे कॉलेज भी जाना होता है, योगिता की तरह घर में नहीं बैठी रहती हूँ। योगिता कम से कम घर का काम तो कर लेती है, तू ना ही घर का काम करती है और ना ही पढ़ाई अच्छे से करती है, तेरे से तो तंग आ गई हूँ मैं। ठीक है, इतनी ही परेशानी है मेरे से तो मेरे से बात मत किया करो। इतना बोलकर सिमरन घर के अंदर चली जाती है। रेखा अपनी छोटी बेटी से बहुत परेशान थी, वो अक्सर बीमार रहती थी और यही सोचती रहती थी कि उसके जाने के बाद सिमरन का क्या होगा। लेकिन सिमरन को अपनी माँ की जरा सी भी परवाह नहीं थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन रेखा को बहुत तेज बुखार हो गया। रेखा योगिता को इस बारे में नहीं बताती है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो बता भी देगी तो उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। वो योगिता को परेशान करना नहीं चाहती थी। बुखार की वजह से 2 दिन के अंदर अंदर रेखा की मौत हो जाती है। योगिता अपनी माँ के जाने का दुख भुला नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन को ये सब भूलने में 1 हफ्ते भी नहीं लगे। योगिता, मैं बाहर जा रही हूँ। सिमरन, मैं तुझे घर के काम करने के लिए नहीं कहती, लेकिन तू तो ऐसे कर रही है जैसे हमारे घर में सब कुछ ठीक हो। ठीक ही तो है, क्या हो गया घर में? अभी कुछ टाइम पहले हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, तुझे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है? दुख था, लेकिन अब कितना इस बात का दुख लेकर बैठी रहूंगी। अरे जिसको जाना था वो चला गया, मैं तो तुझे भी यही कहूंगी, सब कुछ भूल जा। हाँ वैसे तुझे माँ की ज्यादा याद आती होगी, क्योंकि वो तुझे प्यार करती थी, मुझे तो हमेशा डांटती ही रहती थी और तेरे से सीखने की सलाह देती रहती थी। इस तरह योगिता को कड़वी बातें बोलकर सिमरन चली जाती है। सिमरन का ये रवैया योगिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सिमरन अपने गांव के लोगों से भी इसी तरह बात करती थी। हर कोई योगिता से सिमरन की बदतमीजी का शिकायत करने आता रहता था। एक दिन योगिता जंगल से लकड़ियां लेकर आ रही थी। जंगल के झाड़ के बीच उसे एक गुलाब नजर आता है। वो गुलाब काले रंग का था। योगिता गुलाब उठाती है। दिखने में तो गुलाब जैसा लग रहा है, लेकिन ये कैसा गुलाब है, काले रंग का? जैसा भी है, अनोखा लग रहा है, इसे अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। योगिता काले गुलाब को अपने साथ घर लेकर जाती है। योगिता के पास कोई भी बात करने वाला नहीं था, इसलिए उस दिन से वो अपने मन की बात गुलाब से कहने लगी। अब से हम दोनों दोस्त हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, इसलिए अब मैं अपने नए दोस्त यानी तुमसे मन की बात कहूंगी। काले गुलाब के आने के बाद योगिता खुश रहने लगी थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गुलाब, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं बना है, क्योंकि राशन खत्म हो गया है और राशन खरीदने के मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। थोड़े बहुत पैसे थे लेकिन वो सिमरन लेकर चली गई। अब मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं अपने लिए जंगल से फल लेकर आती हूँ। उसके बाद योगिता जंगल चली जाती है। उस दिन जंगल में योगिता को घूमते घूमते बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि उसे उसके पसंद का फल नहीं मिल रहा था। घूमते घूमते योगिता जंगल के आखिर में पहुंच गई। वहां उसने एक बहुत सुंदर बगीचा देखा। कितना सुंदर बगीचा है, इस घने डरावने जंगल में इतना सुंदर बगीचा, मुझे तो इस बगीचे को अंदर से देखने का मन कर रहा है। फिर योगिता बगीचे के अंदर जाती है।
तभी योगिता चुपके से देखती है कि वहाँ एक परी बैठी हुई है। तभी वो परी भी योगिता को पेड़ के पीछे से झांकते हुए देख लेती है। कौन है वहाँ पेड़ के पीछे? सामने आओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। आप मुझे सजा मत देना, मैंने कुछ गलती नहीं की। मुझे तो बस बगीचा दिखने में अच्छा लगा तो मैं अंदर आ गई। हाँ मुझे पता है तुमने कोई गलती नहीं की है, यहाँ आओ। योगिता परी के पास जाती है। नाम क्या है तुम्हारा, क्या करती हो तुम, कहाँ रहती हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम योगिता है, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचती हूँ। मैं इसी गांव की एक झोपड़ी में रहती हूँ और मेरे परिवार में सिर्फ मेरी छोटी बहन है। इस घने जंगल में तुम क्या करने आई थी? मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर फल लेने आई थी। मुझे मेरे मनपसंद फल नहीं मिल रहे थे, इसलिए ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी बातों ही बातों में परी बोलती है, तुम्हें पता है मेरे बगीचे में एक काला गुलाब था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया वो। योगिता को अपना काला गुलाब याद आ जाता है। वो परी को काले गुलाब के बारे में बता देती है। परी, अभी कुछ दिन पहले मैं जंगल से लकड़ियां लेकर जा रही थी, तभी मुझे एक झाड़ में काला गुलाब नजर आया। कहीं वो गुलाब आपका तो नहीं? सच में, क्या तुम अभी अपने घर से वो काला गुलाब लेकर आ सकती हो? ठीक है। उसके बाद योगिता भागते हुए घर जाती है और काला गुलाब लेकर परी को दे देती है। ये इस बगीचे का इकलौता काला गुलाब था, अगर तुम चाहती तो इसके बारे में मुझे नहीं बताती, लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस काले गुलाब को लाल गुलाब में बदल देती है। अब इस गुलाब में जादुई शक्तियाँ आ गई है, अब तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काटना नहीं पड़ेगा, अब तुम जो चाहो गुलाब से मांग सकती हो। आपका बहुत धन्यवाद परी, मैं शुरू में आपसे डर रही थी, लेकिन आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। योगिता बहुत खुश होती है और गुलाब लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर योगिता जादुई गुलाब से खाने के लिए मांगती है। उसके सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। ऐसे पकवान तो मैंने पहले कभी देखे भी नहीं थे। फिर योगिता खाना खाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन योगिता घर के राशन खरीदने के लिए जादुई गुलाब से पैसे मांग रही थी, तभी सिमरन देख लेती है। ये सब देखकर सिमरन अपने मन में सोचती है, इसके पास जादुई गुलाब है, ये जादुई गुलाब तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे बहुत खर्चे हैं, मुझे नए कपड़े, सैंडल, मेकअप का सामान और पार्टी भी तो करनी होती है, मैं इससे जादुई गुलाब छीन लूंगी। सिमरन योगिता के पास जाती है। योगिता, मुझे ये जादुई गुलाब दे दे। नहीं, ये जादुई नहीं है। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। वैसे तो बहुत बहन बहन करती रहती है, और इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे, अब चुपचाप ये गुलाब मुझे दे दे। नहीं सिमरन, मैं इस गुलाब का इस्तेमाल बस घर के जरूरी कामों में करती हूँ। लगता है तू नहीं मानेगी, मैं खुद ही ले लेती हूँ। उसके बाद सिमरन जादुई गुलाब लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन जादुई गुलाब उसके पकड़ में नहीं आती है। वो जैसे जैसे अपना हाथ बढ़ा रही थी, जादुई गुलाब वहाँ से हटके दूसरी जगह जा रही थी। ये तो मेरे हाथ ही नहीं आ रही है। हाँ, मैं गंदे और स्वार्थी लोगों के पकड़ में नहीं आती हूँ। अगर तुम्हें मुझे हासिल करना है तो पहले एक अच्छी इंसान बनो। सिमरन कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गांव की कुछ लड़कियां योगिता के घर आती है। योगिता, सिमरन कहाँ है? मुझे नहीं पता, तुम सब इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तेरी बहन 2 महीने से हमसे उधार ले रही है और अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। उसी वक्त सिमरन वहाँ आ जाती है। आ गई सिमरन। कब तक हमसे भागती रहोगी? आज तो हम अपने पैसे जरूर लेकर जाएंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मैं एकदम से कहाँ से पैसे लाऊं? जब हमारे पैसों से ऐश करती थी तब नहीं सोचा ये,
हम अपने मम्मी पापा से तेरे लिए पैसे लेते थे, चुपचाप से हमें हमारे पैसे वापस कर। हाँ, जब औकात नहीं होती है तो औकात से बाहर जाकर पार्टी क्यों किया? बस चुप हो जाओ, अपनी हद मत भूलो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी पैसे। उसके बाद योगिता घर के अंदर जाती है और जादुई गुलाब से कहती है, जादुई गुलाब, मुझे मेरी बहन के लिए पैसे चाहिए। मुझे पता है वो बहुत घमंडी है और उसने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन अब जैसी भी है तो मेरी बहन ना, सब उसको इतना कुछ बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कृपया करके मुझे उन सभी लड़कियों का उधार चुकता करने के लिए पैसे दे दो। जादुई गुलाब योगिता को पैसे दे देती है। सिमरन ये सब देख लेती है। उसके बाद योगिता उन सारी लड़कियों को पैसे दे देती है। मिल गए ना तुम्हें तुम्हारे पैसे, अब मेरी बहन से दूर रहना। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तेरी बहन से बात करने का। उसके बाद सारी लड़कियाँ चली जाती है। उन सब के जाने के बाद सिमरन योगिता से कहती है, दीदी आप बहुत अच्छी हो, आपने हमेशा छोटी बहन समझकर मेरी सारी गलतियाँ माफ की और मैंने कभी आपकी इज्जत नहीं की। मुझे माफ कर दो, अब मैं आपकी सारी बात मानूंगी और आपके साथ घर के कामों में भी मदद करूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह सिमरन हमेशा के लिए सुधर जाती है। योगिता जादुई गुलाब की मदद से अपनी एक बेकरी चलाती है। उसकी बेकरी की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। सिमरन घर के सारे काम करती थी और योगिता बेकरी का ध्यान रखती थी। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। झरने का जादुई दो हैंडबैग। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी गांव में रोली नाम की एक लड़की अपनी बुआ के साथ रहती थी। रोली के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उसकी बुआ अंकिता ही उसके देखभाल करती थी। अंकिता सब्जियां बेचकर घर का गुजारा करती थी और रोली के पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोली के स्कूल के जूते फट जाते हैं, इसलिए रोली अपनी बुआ से कहती है, बुआ मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, लेकिन मुझे पता है आपके पास इतने पैसे नहीं हैं जो आप मुझे जूते दिला सको, इसलिए मैं यही जूते पहनकर स्कूल चली जाऊंगी। रोली, मैं तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ कि आगे चलकर तू बहुत अच्छे पोस्ट पर हो और हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाए। तू बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर स्कूल में कोई तेरा मजाक उड़ाएगा तो उसे अनदेखा करियो, क्योंकि समझदार लोगों की पहचान होती है ऐसे बातों को अनदेखा करना। रोली अपनी बुआ की कही हुई बात बहुत अच्छे से समझ जाती है। थोड़ी देर बाद रोली अपने स्कूल जाती है और उसके फटे हुए जूते देखकर स्कूल में सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं। देखो देखो, ये तो स्कूल में फटे जूते पहनकर आई है। मैं तो हर महीने अपने जूते बदलती हूँ और इससे अच्छे जूते तो मेरे घर की नौकरानी पहनती है। पता नहीं कहाँ से उठकर आई है। मुझे नहीं लगता कि तुम सारी घमंडी बिगड़ैल लड़कियों के अंदर दिमाग है। इतने अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन पढ़ाई देखकर नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अमीर बाप ने स्कूल वालों को घूस दे रखा है। क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो यहाँ खड़े होकर तुम लोग इतनी घटिया हरकत नहीं कर रहे होते। मैं गरीब हूँ लेकिन समझदार हूँ, और तुम जितनी अमीर हो उससे कई ज्यादा पानी में हो। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करूं। मैं जा रही हूं अपने क्लास में। इतना कहकर रोली अपने क्लास में चली जाती है। रोली की बात सुनकर पाखी को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और रोली स्कूल के सभी टीचर्स के फेवरेट हो गई थी। स्कूल में सारे टीचर के मुँह से रोली की तारीफ सुनकर पाखी को रोली से जलन होने लगी थी। पाखी गुस्से से अपने मन में सोचती है, इस गरीब सब्जी वाली की वजह से स्कूल में कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, इसको सबक तो सिखाना ही होगा। इस तरह पाखी अपने मन में बेवजह रोली को सबक सिखाने का प्लान बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पाखी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे रोली की बुआ सब्जी बेचते हुए नजर आती है। क्यों ना मैं रोली की बुआ को बिस्तर पर बिठा दूं, जिसके बाद वह स्कूल भी नहीं आएगी और उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे।
इतना सोचकर पाखी अंकिता के पास जाती है और उसे जोर से धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अंकिता के सर से बहुत खून बहने लगता है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जैसे ही रोली को इस बात का पता चलता है तो वो भागते हुए अपनी बुआ को देखने हॉस्पिटल जाती है। अपनी बुआ की ऐसी हालत देखकर रोली बहुत रोती है। बुआ, ये क्या हो गया आपके साथ? आपको इतनी गहरी चोट लगी है। आपने मेरे अच्छे भविष्य के लिए कितना मेहनत किया है और आज आपके साथ ये सब हो गया। लेकिन बुआ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन रोली, मुझे ये चिंता बहुत सता रही है कि अब मैं सब्जियां बेचने कैसे जाऊंगी। अगर सब्जियां बेचने नहीं जाऊंगी तो हमें खाने तक के लाले पड़ जाएंगे और तो स्कूल भी नहीं जा पाएगी। तेरे एग्जाम भी आने वाले हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़कर चले गए तो आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया। इसलिए अगर आपके लिए मैं कुछ दिन तक अपनी पढ़ाई छोड़ भी दूंगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सब्जियां बेचने की, तो आपकी जगह मैं सब्जियां बेचूंगी। इस तरह रोली अपनी बुआ को हार नहीं मानने देती है। कुछ दिनों बाद अंकिता की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर लौट आती है। जब तक अंकिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई थी, तब तक रोली ही सब्जियां बेच रही थी। एक दिन रोली सब्जी बेच रही होती है, तभी वहां से पाखी अपने दोस्तों के साथ गुजर रही होती है। पाखी की नजर जैसे ही रोली पर पड़ती है, वो उस पर बहुत जोर जोर से हंसती है। रोली, अब तू सब्जियां बेचने लग गई? लगता है पढ़ाई का सारा बुखार उतर गया। वैसे भी तो जैसी गरीब लड़की कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब के समय में हर चीज में पैसे लगते हैं। वैसे तो सब्जियां बेचती हुई बहुत अच्छी लग रही है। चल, इसी बहाने तुझे सब्जियां बेचने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आगे चलकर सब्जियां बेचने में आसानी होगी। इस वक्त मेरी बुआ को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर मैं इस बार के एग्जाम में फेल भी हो गई, तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। पाखी रोली की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और रोली अपनी सब्जियां बेचकर घर जाने लगती है। चलते चलते रोली बहुत थक जाती है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है, इसलिए वो एक झरने के पास जाकर पानी पीने लगती है। तभी थोड़ी दूरी पर रोली को एक गरीब लड़की दिखाई देती है। गरीब लड़की रोली से कहती है, दीदी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारे पास जो पैसे हैं, क्या तुम मुझे दे दोगी? मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए उनके लिए दवाई लानी है। उस लड़की की बात सुनकर रोली अपने मन में सोचती है, अरे, ये लड़की तो सच में बहुत परेशान है। एक काम करती हूँ, आज मेरी जो कमाई हुई है मैं इस लड़की को दे देती हूँ। इतना सोचकर रोली उस लड़की को पैसे देने लगती है। तभी वो लड़की एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी रोली से कहती है, मैं इस झरना की रखवाली करने वाली परी हूँ। हर पूर्णिमा के दिन मैं एक अच्छे इंसान की मदद करती हूँ, इसलिए अभी तुम्हारी अच्छाई देखने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम इस झरना के अंदर जाओ, तुम्हें दो हैंडबैग मिलेंगे, उसे लेकर तुम यहाँ आ जाना। परी की बात सुनकर रोली झरना के अंदर जाती है। झरना के अंदर जाते ही रोली को दो हैंडबैग नजर आते हैं और वो दोनों हैंडबैग को लेकर वापस परी के पास आती है। उसके बाद परी रोली से कहती है, एक हैंडबैग से तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और दूसरे से बहुत सारे पैसे। अब बताओ, तुम्हें दोनों में से कौन सा चाहिए? परी, मुझे आप ये पैसे वाला हैंडबैग दे दो, क्योंकि मुझे सोने के सिक्के की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है। मैं इन पैसों से अपनी बुआ का इलाज अच्छी जगह करवाऊंगी। रोली के इतना कहते ही सोने के सिक्के वाला हैंडबैग वहाँ से गायब हो जाता है और पैसों का हैंडबैग वहीं रहता है। आज से ये पैसों का हैंडबैग तुम्हारा हुआ और इसे तुम जितने चाहे पैसे ले सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और रोली अपना जादुई हैंडबैग लेकर अपने घर जाती है।
घर जाकर रोली हैंडबैग से पैसे मांगती है और वहाँ पर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। रोली के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और वो अपनी बुआ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही समय में अंकिता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रोली उन्हीं पैसों से अपनी बुआ के लिए एक बहुत बड़ी सब्जी और फलों की दुकान खोलती है। कुछ ही समय में रोली बहुत अमीर हो जाती है और रोली अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाने लगती है। ये सब देखकर पाखी जल भुनकर राख हो जाती है। रोली पाखी के पास जाती है और उससे बोलती है, पाखी मुझे पता चल चुका है कि मेरी बुआ को तुमने ही धक्का दिया था। तुमने मुझे रोकने की कितनी कोशिश की लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाई। कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास दूसरों से जलन के अलावा कुछ नहीं है। जितना दिमाग तुमने मुझे रोकने में लगाया उतना अगर पढ़ाई में लगा लेती तो शायद अच्छे नंबर आ जाते। इतना कहकर रोली वहाँ से चली जाती है, लेकिन पाखी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और रोली का पीछा करने लगती है। पाखी रोली का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है और उसे जादुई हैंडबैग के बारे में पता लग जाता है। पाखी मौका देखकर जादुई हैंडबैग चुराने की सोचती है और वो जैसे ही हैंडबैग को हाथ लगाती है उसे जोर का करंट लगता है। पाखी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इस तरह पाखी को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो उस दिन के बाद से कभी भी रोली को तंग नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ रोली अपनी बुआ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही होती है। जादुई दो बड़े केक का घर। किसी गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सोनिया के ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे इसलिए वो अपना ख्याल खुद रखती थी। सोनिया एक अच्छी और सुशील लड़की थी। वो सभी लोगों से हमेशा प्यार से पेश आती थी। सोनिया पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई इसलिए वो उसी गांव में एक केक की दुकान पर काम करती थी। उस दुकान की मालकिन भी सोनिया से बहुत प्यार से बात करती थी। ऐसे ही एक दिन दुकान की मालकिन सोनिया से बोली, सोनिया तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे बनाए हुए केक सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो दिल लगाकर अपना काम कर और अगर तुझको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तू मुझको बता देना। हाँ मालकिन, मुझे तो केक बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए मालकिन, मुझे सब कुछ तो आप दे ही देती हो। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, शर्माना मत। मालकिन अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि उस दिन मैं थोड़ा सा घूम कर आऊंगी। क्या आप मुझे उस दिन छुट्टी दे देंगी? हाँ सोनिया, क्यों नहीं। जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है, उस दिन तो जो मन में आए वो कर लेना चाहिए। मैं तुझे उस दिन छुट्टी जरूर दूंगी। अपनी मालकिन की बात सुनकर सोनिया खुश हो गई और अपना काम करने लगी। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत गया और आज सोनिया का जन्मदिन था और उसकी मालकिन ने उसको दुकान पर बुलाया। लगता है मालकिन मेरा जन्मदिन भूल गई हैं। मैं दुकान पर जाकर उनसे छुट्टी मांग लूंगी। इतना सोचकर सोनिया दुकान गई। उसने दुकान पर जाकर देखा कि उसकी मालकिन ने उसके लिए एक बर्थडे केक बनाकर रखा है। ये ले सोनिया बेटी, ये बर्थडे केक मैंने तेरे लिए बनाया है, तू ये लेकर जा, आज तेरी छुट्टी है। इतना कहकर मालकिन ने उसको वो केक दे दिया और सोनिया वो केक लेकर वहाँ से चली गई। दुकान के बाहर जाकर वो सोचने लगी, मैं एक काम करती हूँ। मैंने सुना है नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर जगह है, मैं वहाँ जाकर अपना ये केक खाती हूँ। इतना सोचकर सोनिया उस नदी के पास चली जाती है और वहाँ जाकर केक खाने लगती है। तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी सोनिया इधर उधर देखने लगती है। लगता है कोई मुसीबत में है। मैं जंगल के अंदर जाकर देखती हूँ, लगता है ये आवाज वहीं से आ रही है। इतना सोचकर सोनिया जंगल के अंदर गई। जब सोनिया ने जंगल के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक परी रस्सी से बंधी हुई थी और किसी को मदद के लिए पुकार रही थी।
ये देखकर सोनिया उस परी के पास भागते हुए गई और उसकी रस्सी खोल दी। आप कौन हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? मैं सोम्या परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपना बंधक बनाकर रखा था, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचा ली। सोम्या परी, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम परीलोक से यहाँ पर आई हो? हाँ, मैं परीलोक में रहती थी, लेकिन पिछले जन्मदिन में मेरी रानी परी ने मुझे बर्थडे केक का घर बना कर दिया था, जो ऊपर आसमान में है। लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि जादूगरनी ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है। मैं बिना मेरी जादुई छड़ी के उस बर्थडे केक के घर के अंदर नहीं जा सकती। फिर अब आप कहाँ रहोगी? अब मेरी मदद कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। उसके लिए सबसे पहले हमें आसमान में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर जाकर तुम्हें दो केक के घर दिखेंगे। उन दोनों जादुई केक घरों में से एक घर नकली है और एक घर असली। तुम जब उस केक घर के पास जाओगी तो तुम्हें अपने समझदारी से उनमें से असली घर चुनना होगा, और असली घर चुनते ही वो नकली घर वहाँ से गायब हो जाएगा। उस घर के अंदर ही मेरी दूसरी जादुई छड़ी है। अगर मुझे वो जादुई छड़ी मिल जाए तो मैं अपने घर में वापस जा सकती हूँ। परी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऊपर आसमान में कैसे जाऊँगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें आसमान में जाने का रास्ता बताऊंगी। इतना कहकर परी ने चुटकी बजाई, तभी उनके सामने एक सीढ़ी आ गई, जो आसमान की तरफ जा रही थी। तुम इन सीढ़ियों से आसमान में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें वो दो केक के घर मिलेंगे। तब सोनिया उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए आसमान में पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर दो जादुई बड़े केक के घर हैं। जैसे ही वो उन दोनों घरों के सामने पहुँची, तब पहले घर में से आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई दुनिया में। मैं असली केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे अंदर आओगी तो तुम्हें जो चाहे वो मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी। नहीं, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। मैं ही हूँ असली केक का घर। अगर तुम मेरे अंदर आओगी तो तुम्हें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें हम दोनों में से किसके अंदर जाना है। दोनों घरों की बात सुनकर सोनिया सोच में पड़ गई, और सोनिया मन ही मन बोली, पहले वाले घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन दूसरे वाले घर के अंदर सुख और दुख दोनों हैं, और जिंदगी में कभी भी सिर्फ सुख नहीं हो सकता। अगर कोई दुखी होता है तो उसको सुखी होने का एहसास होता है। इसका मतलब दूसरा वाला घर ही असली घर है। इतना सोचने के बाद सोनिया कहती है, मुझे दूसरे वाले घर में ही जाना है। इतना कहते ही पहले वाला घर गायब हो जाता है और दूसरे वाले घर का दरवाजा खुल जाता है। उस घर के अंदर सभी कुछ चॉकलेट का बना हुआ था। वो वहाँ से परी की दूसरी जादुई छड़ी लेकर परी के पास वापस आ जाती है। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर वापस मिल गया। अब से तुम मेरे साथ मेरे जादुई केक के घर में ही रहोगी। इतना कहकर सौम्या परी सोनिया को लेकर अपने जादुई केक के घर में चली गई। थोड़े दिन तक तो सोनिया को उस घर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं, वैसे ही सोनिया को उस जादुई केक के घर में बोरियत होने लगती है। इसलिए वो सौम्या परी से कहती है, परी जी, यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है, और मुझे अपनी मालकिन की भी याद आ रही है। ठीक है सोनिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद सौम्या परी अपने जादू से सोनिया को उसके घर छोड़ देती है। उस दिन से सोनिया फिर से अपनी दुकान पर काम करने लगी और अपने छोटे से घर में ही हंसी खुशी रहने लगी।